गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हार्मोनिया की एनाटॉमी के बारे में जान चुके हैं। ज्यादातर पॉइंट्स हमने उसमें कवर कर लिए थे। अब हम हार्मोनिया का जो डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली टेडपोल लार्वा के बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। तो हार्मोनिया जो कि एक ट्यूनिकेट है, जहां आप उसके एडल्ट में काफी कम कॉर्डेट कैरेक्टर देख रहे हैं, वहीं उसका जो लार्वा है काफी एडवांस नजर आता है। इस तरह से हार्मोनिया एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल हमारे सामने है, जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है, जहां एक एडवांस लार्वल फॉर्म, डेवलप्ड लार्वल फॉर्म, एक डीजेनरेटेड एंड सीरियल सेडेंटरी एनिमल के रूप में, एडल्ट के रूप में परिवर्तित होती है। इस तरह का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म ट्यूनिकेट्स में हमें अक्सर देखने को मिलता है, और ये विशेषकर इनके कॉर्डेट कैरेक्टर्स के बारे में हमें संकेत देता है, जो कि इनके वयस्क में या एडल्ट में नहीं देखने को मिलते। डेवलपमेंट की हम बात करें, हार्मोनिया में बनने वाले जो स्पर्म हुए वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, 4 माइक्रोमीटर लंबाई के होते हैं। इनके अंदर जो ओवम है, अनफर्टिलाइज्ड, वो माइक्रोलेसिथल प्रकार का होता है, जिसमें डिस्टिंक्ट एनिमल एंड वेजिटल पोल नजर आते हैं। जो मैच्योर ओवम है वो करीब 0.3 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, जिसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस नजर आएगा। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर पॉलीस्पर्मी नहीं होती है एज यूजली, क्योंकि इसमें कोरियन लेयर्स बाहर की तरफ मौजूद हैं। इसके बाद में जो लेटर डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हम उसकी बात करें तो जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेंट होता है, कंप्लीट होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। जो जाइगेट है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जाता है, कुछ कुछ अनइक्वल प्रकार का ये क्लीवेज होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि जो ब्लास्टोमीर का भविष्य है वो पहले से तय होता है। पहला जो क्लीवेज है वो वर्टिकल होता है, मेरिडोनियल, जिससे जो ग्रे क्रिसेंट है वो अनइक्वल दो पार्ट्स में बट जाता है। सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल होता है, लेकिन वो पहले वाले क्लीवेज के राइट एंगल पे होता है। तो जो 4 अब ब्लास्टोमेर बने हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं जो पोस्टीरियर साइड में होते हैं, जबकि 2 लार्ज होते हैं जो कि फ्रंट की तरफ होते हैं, जिनमें से केवल 2 के अंदर ही ग्रे क्रिसेंट का भाग होता है। तीसरा जो क्लीवेज है वो हॉरिजेंटल होता है और इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से एट सेल अरेंजमेंट होता है। फोर्थ क्लीवेज के बाद 16 सेल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जिसके बाद में जो क्लीवेज है वो रेगुलर हो जाता है और
जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम मोरूला कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर इम्बोली या इन्वेजिनेशन में क्रोमियट्स का आपको देखने को मिलेगा। गैस्ट्रुलेशन के कंप्लीट होते होते ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाता है और जो एम्ब्रियो है वो लंबाई में बढ़ने लगता है। ऊपर की तरफ आप न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट देखेंगे और इस स्टेज को हम न्यूरुला कहते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन है इस न्यूरल ट्यूब का वो चौड़ा ही रहता है और ब्रेन वेसिकल बनाता है, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लास्टोपोर क्लोज हो रहा है, लंबाई में बढ़ने वाला लगता है, तो करीब 12 घंटे के उपरांत आप देखेंगे कि लार्वा हैच आउट होता है, जो कि करीब 1.5 मिलीमीटर लंबा मोटाइल लार्वा होता है, जिसके शरीर के ऊपर बहुत पतली एक ट्यूनिक की लेयर होती है, जो कि इक्टोडर्म के जरिए सिक्रीट की हुई होती है, जिसके इंटीरियर एंड पे एक शॉर्ट ओवल हेड मौजूद है, पोस्टीरियर टेल मौजूद है। ये लार्वा जैसा आपको बताया फ्री स्विमर है, इलोंगेटेड है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है, इंटीरियर पोस्टीरियरली पॉइंटेड होता है। इसमें अभी तक माउथ और एनस डेवलप नहीं हुए, पर लेटर स्टेज में ये डेवलप होंगे। मिड वेंट्रली फर्स्ट गिल स्लिट इसमें डेवलप हो जाती है। जो फर्स्ट 14 गिल स्लिट्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में 8 गिल स्लिट्स की सेकेंडरी सीरीज और देखने को मिलेगी। लेटर ऑन इसमें कॉडल फिन, आई स्पॉट, ऑल्फैक्टरी पिट्स वगैरह भी डेवलप होंगे। सबसे पहले हम हेड की बात करें तो इंटीरियर एंड जो है ट्रंक का, उसके ऊपर आपको हेड मिलेगा जिसपे 3 एडहेसिव पेपिली, जो कि इक्टोडर्मल सेल्स की बनी हुई होती हैं, वो मिलेंगे आपको। इंटीरियर एंड में आपको इनलार्ज होलोसेंस वेसिकल या ब्रेन वेसिकल देखने को मिलेगी। सेंस वेसिकल के अंदर आपको एक पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट या ओटोसिस्ट और 2 पिगमेंटेड अनइक्वल ओसिलाई या जो सिंपल आई जैसी हैं वो नजर आएंगी। एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर डॉर्सल माउस से बनना शुरू होती है, जो कि एक नैरो ब्रैंकियल साइफन में प्रवेश करती है। आगे आप देखेंगे यहाँ एक लार्ज सेक लाइक फेरिंग्स होगा, शॉर्ट इसोफेगस, स्टोमक आपको देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन और एक स्मॉल रेक्टम देखने को मिलेगा। एनस एट्रियम के लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है। फेरिंग्स के अंदर वेंट्रल इंडोस्टाइल मौजूद होता है और 2 पेयर स्टिग्मा मौजूद होते हैं, जो कि फाइनली जैसा मैंने आपको बताया स्प्लिट होते हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम पोस्टीरियो वेंट्रिकली लोकेटेड होते हैं फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में। मेसेनकाइमल सेल पूरी बॉडी में इक्टोडर्म के नीचे स्कैटर्ड देखने को मिलती हैं। टेल इनके अंदर एक पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेटरली कंप्रेस और पॉइंटेड होती है टर्मिनली। 0.9 mm लॉन्ग आपको टेल देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर एक वर्टिकल कंटिन्यूस टेल फिन मौजूद होगी, जो कि टेस्ट की बनी हुई होती है, और इस पे आपको ऑब्लिक स्ट्रिएशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिन रेज में देखने को मिलते हैं। तो जो टेडपोल लार्वा है ये अनक्वेश्चनेबली ट्रू कॉर्डेट है, जहाँ पे आपको डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, नर्व ट्यूब देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है आपको इसके अंदर, पेयर्ड गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं।
कुछ घंटों की एक्टिविटी के बाद, लगभग 3-4 घंटे की एक्टिविटी के बाद, ये नॉन फीडिंग एंड फ्री स्विमिंग जो लार्वा है वो बॉटम की तरफ बैठ जाता है। लार्वा जो होता है इनिशियली फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव होता है। शुरुआत में जैसा आपको बताया मैं फीड नहीं कर सकता क्योंकि माउथ डेवलप नहीं होता, लेकिन बाद में ये जो लार्वा है माउथ और एनस डेवलप होने के बाद में जियो पॉजिटिव हो जाता है, फोटो नेगेटिव हो जाता है और स्लगिश हो जाता है। ये बॉटम पर बैठ जाता है, साथ ही साथ अपने आप स्टेटम पे अटैच कर लेता है और स्टेटम पे अटैच करने के बाद ये आगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ एट्रियम का भी यहाँ पर लार्वा में विकास हुआ था, मेटाफिलर फोल्ड डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर एट्रियम का आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी जैसा आपको बताया कि ट्यूब के कारण से ये एट्रियम बन रहा है, तो ये जो चारों तरफ ट्यूब बनी है मेटाफिलर फोल्ड से, वो ट्यूब दोनों एंड की तरफ ओपन होती है। जो पोस्टीरियर एंड होता है वो एट्रियोपोर के रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन जो एंटीरियर ओपनिंग होती है वो एंटीरियर साइड की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन फाइनली ये क्लोज हो जाती है। तो ये जो लार्वा है अल्टीमेटली सेटल डाउन हो रहा है सी फ्लोर पे और आगे मेटामॉर्फोसिस में जाएगा। तो आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ, कल हम बात करेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, किस तरीके से टेरिबल लार्वा में ये होता है। धन्यवाद।